हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाई आशीष में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 2021 में पेपर हुआ था, हम लोग उसका यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है सेट नंबर 10। तो हम लोग यहाँ पर रीजनिंग सॉल्व करेंगे, जो अपनी क्लास 8 बजे की होती है उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ, जो इसी सेट में पूछा गया जो मैथ्स है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर कहाँ पे हुआ था आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ कि पैटर्न क्या था अभी तक का। तो अभी तक आपके एग्जाम में 25-25 क्वेश्चन आते थे मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश के। हाँ, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाई आशीष सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ दे दूंगा। और यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ लिंक होगा, लिंक से जाके आप चैनल पर जा सकते हो, ठीक है ना। आगे यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार का पैटर्न में क्या हुआ है, आपको 20-20 क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग 25-25 ही क्वेश्चन करेंगे। यदि मैं 9 सेट की बात करूँ ना, यदि मैं 9 सेट की बात करूँ तो 9 सेट में पता है कितने क्वेश्चन, 9 × 25। यदि मैं आज का भी मैं सेट मिला लूँ तो 25 क्वेश्चन × 10 सेट कम्प्लीट, तो 25 दाम में कितने क्वेश्चन हो गए, 250 क्वेश्चन। तो 250 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के और 250 क्वेश्चन मैथ के तो कम्प्लीट ही कर लिए ना आज को लेकर के, क्लियर है ना। बहुत होते हैं 250 क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक एक कॉन्सेप्ट अगर देखोगे ना, आपकी तैयारी इतने से ही हो जाएगी, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अभी तो काफ़ी सारे सेट करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम तो कब है, जनवरी में है ना एग्ज़ाम, जनवरी में हो जाएगा काफ़ी सारा, ठीक है ना। चलते हैं अपने आज की क्लास पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलो यहाँ पर देख लो, ये वाला जो पेपर हुआ था वो 24/11/2021 को हुआ था, 12:30 से 2 बजे के बीच, ठीक है। कहाँ पर हुआ था आप ये मेन्यू नेम देख सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू और वी, यू वी और डब्लू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे पर समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं। सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है, एस का मुंह दक्षिण की ओर है, वी और क्यू अपना स्थान आपस में बदलते हैं। तो पूछ रहा है कि क्यों के बैठने की हमें दिशा बता दो, क्या क्यों के बैठने की हमें दिशा बता दो, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सभी लोग वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, तो हम लोग एक वृत्ताकार मेज यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया वृत्ताकार मेज, और कितने लोग हैं, 8 लोग हैं ना, तो 8 लोग बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग हुए। अब यहाँ पर है एस का मुंह दक्षिण की ओर, अगर मैं आपको दिशा बताऊँ तो ये होता है ईस्ट मतलब पूर्व, ये होता है वेस्ट मतलब पश्चिम, ये होता है नॉर्थ मतलब उत्तर, ये होता है साउथ मतलब दक्षिण। किस ओर है, इस ओर है, ऐसी एक तीर बना लो, मतलब एस यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि ये सब वामावर्त बैठे हुए हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा, मतलब पी से स्टार्ट करते हैं, तो पी को यहाँ पर डाल दो, पी क्यू आर एस तो हो गया ना, टी यू वी और डब्लू। अब आगे यहाँ पर बोला गया था कि यदि वी और क्यू अपने स्थान बदल लें, मतलब यहाँ पर क्यों आ जाए और यहाँ पर वी आ जाए, कौन आ जाए, यहाँ पर क्यों आ जाए और यहाँ पर वी आ जाए, तो बोल रहा है कि क्यों के बैठने की दिशा क्या होगी। अब देखो क्यों का मुख नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है कि क्यों किस दिशा में बैठा है, तो ये इस दिशा में बैठा है ना, ये दिशा कौन सी होगी, वेस्ट साउथ मतलब दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि बहुमत का जो संबंध अल्पतम से है, प्राकृतिक का वही संबंध किससे होगा, तो प्राकृतिक का वो संबंध किससे हो जाएगा, वो संबंध हो जाएगा कृत्रिम से, क्लियर है ना। आगे अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, देखो 6 लोग हैं, ठीक है। वे सब उत्तर की ओर अभिमुख हैं, सभी का मुख इस ओर है उत्तर की ओर, एस ठीक पी और क्यू के बीच में, तो पी और क्यू के बीच में बैठा दो एस को, और ये फिगर ऐसे भी बन सकता है। आगे क्या, टी पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, जो टी है वो पी के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर, और यहाँ पर बैठेगा तो पी का बाया दूसरे स्थान क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा ना, तो अपना ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बोला है ना पी के बाएं दूसरे स्थान पर टी है, तो पी के बाएं दूसरे स्थान पर टी होगा ना कि क्यों, तो ये वाला अपना रॉन्ग हो जाएगा, बनेगा क्या, पी एस क्यू, पी के बाएं दूसरे स्थान पर टी, पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर टी हो जाएगा, जो यहाँ पर है क्योंकि बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, क्योंकि बाएं तीसरे स्थान जाओ, 1, 2, 3 यहाँ पर है आर, ठीक है ना। इसके बाद पूछ रहा है क्यों एक छोर पर है, देखो क्यों कहाँ पर है, एक छोर पर है, दूसरे छोर पर कौन बैठा, इसमें से कौन गायब है, अभी यू गायब है ना, तो यू को पकड़ के लाओ यहाँ पे बैठा लो, तो बैठो तुम क्या दूसरे छोर में, अपना ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कागज कटिंग का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है, कागज कटिंग का ये क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या।
इसको जूम कर लो, जूम कर लिया। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले हमने कागज़ को ऐसे मोड़ा, अगेन हमने ऐसे मोड़ा, फिर इसके बाद जैसे ये मुड़ गया तो हमने एक गोला यहाँ बनाया, एक चौकोर यहाँ बनाया, एक वर्ग यहाँ पर बना लिया, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे तो ये कैसा बना हुआ मिलेगा, ठीक है। चलो जैसे हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करें, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर है वर्ग, एक वर्ग देखो यहाँ पर है। अगर ये वर्ग यहाँ है तो जैसे ये खुलेगा तो एक वर्ग इसके नीचे आ जाएगा, तो दूसरा वर्ग कहाँ पर आएगा, दूसरा वर्ग आ जाएगा यहाँ पर। अगर जैसे ये खुलेगा तो एक वर्ग यहाँ पर जाएगा, ठीक है। लगभग चित्र बनेगा, सेम तो नहीं बन पाएगा ना, कॉपी तो हो नहीं रहा ऐसे। इसके बाद एक फिगर यहाँ पर बनेगा, वो किसका फिगर होगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला फिगर कहाँ पर है, ये फिगर यहाँ पर, ऐसे करके एक फिगर ये ऐसे करके बन जाएगा, एक फिगर इधर ये ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर गोला बना हुआ है, क्या बना हुआ है यहाँ पर, क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर गोला बना लेंगे, ये गोला एक ऐसे बन जाएगा छोटा से, एक छोटा से गोला यहाँ पे बन जाएगा, एक गोला यहाँ पर बन जाएगा, और एक गोला क्या होगा यहाँ पर बन जाएगा। ये जैसे खुलेगा कुछ इस प्रकार का ये फिगर बनेगा, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन, किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है, किस ऑप्शन में आपको ऐसा फिगर दिख रहा है। तो आप लोग यदि गौर से देखें तो इस वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखो बीच में, यहाँ पर देखो बीच में कितने वर्ग हैं, दो, लेकिन इस पर कितना, एक एक वर्ग है, लेकिन ये वर्ग एक्स्ट्रा है तो ये गलत हो जाएगा। इस पर यहाँ पर देखो वर्ग आ गया, इसमें क्या, इसमें गोला है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसमें ये यहाँ के वर्ग दो गायब हैं, इस वजह से ये गायब हुआ, और ये अपना चौथा राइट आंसर है। ये एकदम से क्लियर बना हुआ है जैसे कि हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर है कि 1889 की धनराशि राकेश मृणाल और संजय के बीच में 11:13:17 के अनुपात में विभाजित की जानी है, संजय को राकेश से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त हुई। देखो 11 धनराशि किसको मिली, राकेश को, 13 मिली है मृणाल को, संजय को मिली है 17। देखा जाए तो संजय को राकेश से कितने अधिक धनराशि प्राप्त हुई। देखो 11 से 17 प्राप्त हुई, कितनी अधिक प्राप्त हुई है, 7, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर यदि हम तीनों को जोड़ लें, अनुपात जोड़ लें, तो वो किसके बराबर होगा, 1189। जोड़ेंगे 7 × 3 = 10 = 11 = 3 = 4, 41 की वैल्यू कितनी आ गई, 1189। अब हम लोग 41 से इसको कट करेंगे, देखो कितने बार में कट हो जाएगा, 41 × 2 = 82 आएगा ना। अब देखो लास्ट में हमें मिल रहा है 9, तीन बार तो जाएगा नहीं, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यहाँ 11 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 9, लास्ट में लिखा है 1, और ऑप्शन में दशमलव में है नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित होगा। 1 से 9 कितने बार में विभाजित होता है, 9 बार में, तो ये 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 29। अब चेक करो यहाँ पर क्या आएगा, 29 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 अधिक मिली ना, तो 7 कितना हो जाएगा, 11 × 6 = 17, 6 अधिक मिली ना, तो 6 की वैल्यू निकाल लो, 6 × 9 = 54, 5 × 4 = 5, 6 × 2 = 12, 5 = 17, 174 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पर है मीरा केतन की पत्नी, किसी पत्नी है, केतन की, चैतन्य कपिला का भाई है जो कि सुदीप की पत्नी है, रानी केतन की माँ और सुरेंद्र की पत्नी है। चैतन्य रानी का पुत्र है, सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है। चलो यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं मीरा, ये मीरा हो गई, मीरा किसकी पत्नी है, केतन की, तो यहाँ पर केतन हो जाएगा, ठीक है ना, केतन की पत्नी, इसकी वजह से यहाँ पर गोला लगा लो, यहाँ पर क्या कर लो, चौकोर लगा लो, ठीक है। आगे देखो, अभी सेकेंड लाइन में हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्या यहाँ पर है, चैतन्य कपिला का भाई है जो कि सुदीप की पत्नी, क्योंकि मीरा और केतन का अभी संबंध हमें यहाँ से नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, रानी केतन की माँ है, तो केतन की माँ कौन हो गई, केतन की माँ हो गई रानी, ठीक है, केतन की माँ है और सुरेंद्र की पत्नी है, रानी किसकी पत्नी है, सुरेंद्र की, किसकी, सुरेंद्र की पत्नी है, तो सुरेंद्र यहाँ पर हो जाएगा, मतलब केतन की माँ हो जाएगी रानी और केतन के पिता श्री हो जाएंगे सुरेंद्र। आगे क्या है यहाँ से पढ़ो, चैतन्य रानी का पुत्र है, तो रानी का पुत्र कौन है, चैतन्य है, देखो चैतन्य यहाँ पर हो गया। आगे देखें तो आगे है, चैतन्य कपिला का भाई है, तो चैतन्य किसका भाई है, कपिला का, तो देखो कपिला यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी, कपिला आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पुरुष, क्योंकि ये भाई है किसका, कपिला का। अब देखो जो सुदीप की पत्नी है, कपिला किसकी पत्नी है, कपिला है सुदीप की पत्नी, अगर सुदीप की पत्नी है तो ये महिला है, अगर महिला है तो चैतन्य की बहन है, क्या पूछा जा रहा है, सुदीप, सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है। देखो
कपिला के पिता कौन हो जाएगा? सुरेंद्र, मतलब सुरेंद्र के, सुरेंद्र की बेटी कौन होगी? कपिला, और बेटी का पति वो कौन होगा? वो हो जाएगा सुदीप। तो सुदीप सुरेंद्र, मतलब सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है? मतलब सुरेंद्र कौन है, किसका? सुदीप का। सुदीप का कौन है? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र है ससुर। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ससुर। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ है SOIL को लिखा गया 38, 30, 18, 24। पूछ रहा है डेसिमल को क्या लिखा जाएगा। देखो इसका कोड होता है, देखो 19, O का 15, I का 9, L का 12। यहाँ पर क्या है, 38, 30, 18, 24, मतलब 19 का 2 गुना कर दिया गया 38, 15 का 2 गुना किया गया 30, 9 का 2 गुना किया गया 18, 12 का 2 गुना किया गया 24। वैसे डेसिमल इसमें भी 2 गुना करना होगा। D का कोड होता है 4, E का कोड होता है 5, C का 3, I का 9, M का 13, A का 1 और L का 12। ऐसे कोड हो जाएंगे, डबल कर दो। 4 का कोड हो जाएगा 8, 5 का हो जाएगा 10, 3 का होगा 6, 9 का हो जाएगा 18, 13 का होगा 26, 1 का होगा 2, 12 का होगा 24। इस प्रकार का जो भी ऑप्शन आपको लगे वो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले इसमें भी क्या करो, नंबरिंग कर लो। जी का कोड होता है 7, के का होता है 11, ओ का होता है 15, एस का होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, ए का होता है 1। आगे का पूछ रहा है क्या आएगा, सिंपल से बीच का इसमें अंतर निकाल लो। तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 1 ना, 23 3 26, 26 के बाद क्या आएगा, एक ही तो आएगा, ए मतलब ए ही तो आएगा। इसके बाद 4 और ऐड करो तो 4 1 कितना हो गया, 5। ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है ना। आगे इसमें क्या करना है, 1 2 2 4 8, 1 2 2 4 8 32। क्या हुआ इस पर ध्यान से देखो, यदि मैं 2 का गुणा 1 में करा दूं कितना आएगा, 2 मिल जाएगा। 2 का गुणा 2 में कराऊं तो 4 मिल जाएगा। 4 का गुणा 2 में कराऊं तो 8 मिल जाएगा। 8 का गुणा 4 में कराऊं तो 32 मिल जाएगा। सेम 32 का गुणा 8 में करा दो, 8 2 16, 8 3 24, 1 25। 256 अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो इसमें उस विकल्प का चयन करें जो कि जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है, जिस मतलब जैसे दिए गए समुच्चय में एक संख्या दूसरे से संबंधित है। क्या है संख्या, 9, 79 और 7। क्या देखो, 7 9 को बाद में लिखा है, 7 को पहले। देखो 9 यहाँ आ गया है, 7 यहाँ आ गया। क्या ऐसा कोई लॉजिक है क्या? सर ऐसा लॉजिक होता तो बीच में 4 4 अंक होते, क्योंकि 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, इसमें कितने अंक होते, 4 सर, लेकिन 3 3 अंक, ये लॉजिक तो है नहीं। अच्छा देखो, 9 का 7 में गुणा करा लो कितना हो जाएगा, 63। 9 में 7 ऐड कर दो, पहले तो गुणा कराओ फिर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9 7 16। इन दोनों को ऐड कर दो, 6 3 9 6 1 7, कितना मिल गया, 79। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखो 18 का 12 हम गुणा कराएंगे तो पहले 180 हो जाएगा, 180 से प्लस आएगा, 18 धाम में 180 होता है, तो पहला ऑप्शन तो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। सेकंड 25 का 24 में गुणा कराएंगे तो 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 600। और 25 और 24 को ऐड करेंगे 49 मिलेगा, कितना, 49 मिल जाएगा, ये आएगा 649। लिखा कितना है, 635, इस वजह से ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद लास्ट देख लेंगे तो 4 दूनी होता है 800, 800 में 60 ऐड करेंगे, 860 होना चाहिए, यहाँ 800 लिखा है। इसके बाद 14 और 15 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, यही हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो 14 5 कितना हो जाएगा, देखो 15 धाम में 150, 15 चौक 60, कितना हो गया, 210, और 14 15 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 29, तो कितना हो जाएगा, 239 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में मैंगोज को AEGMONS लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाता है। देखो M का कोड कितना होता है, 13 1 14 7 15 5 19, ये हो गया कोड। इसका कोड क्या हो जाएगा, 1 5 7 13 14 15 19। यहाँ पर देखो इसी को आरोही क्रम में ऊपर लिख दिया गया, क्या इसी का आरोही क्रम आगे लिखा गया है, सेम टू सेम फ्रेंड का आरोही क्रम लिख लो। मतलब फ्रेंड को जो सबसे पहले है वो अच्छा लिखो, फिर उससे बाद वाला, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड का कोड F का होता है 6, R का होता है 18, I का होता है 9, E का होता है 5, N का होता है 14 और D का होता है 4। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 18, हो गया आरोही क्रम। तो 4 कोड किसका होता है, D का, 5 होता है E का, 6 होता है F का, I होता है 9 का, ठीक है, 14 N का होता है, 18 R का होता है। ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर है कि LEG, क्या
LEJ, L का कोड होता है 12, E का होता है 5, J का होता है 10, X का होता है 24, J का होता है 10, T का होता है 20। देख रहे हैं कुछ लग सबका इसमें क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है दोगुना। इस पे देखो फेम का, F का कोड होता है 6, L का होता है 12, यहाँ भी देखो दोगुना हो रहा है। A का एक, A का हमने क्या लिख दिया, B लिख दिया। M का होता है 13, 13 का दोगुना 26, E का होता है 5, 5 का दोगुना 10, सेम केबल का लिख लो। CABLE, C का कोड होता है 3, 3 दूनी 6 मतलब F, A का कोड 1, 1 दूनी 2 मतलब B, ऑप्शन मिल गया ऑप्शन थर्ड, चलो। B का कोड 2 मतलब 4, L का कोड 12, 12 दूनी 24, 24 मतलब X हो जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर D हो जाएगा ना। E का कोड 5, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 10 मतलब J, चेक कर लो है ना, ठीक है। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको डाइस का दिख रहा है और इसे पूछा जा रहा है कि जो प्लस है ना, प्लस के स्थान पर क्या आएगा, सिंपल सा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया था कि एक को छोड़कर दूसरा विपरीत होता है, इस वजह से एट रेट का विपरीत हैज हो जाएगा, परसेंटेज का डॉलर हो जाएगा। तो प्लस का विपरीत क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड पर, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा तो कुछ था ही नहीं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आकृति दिख रही है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो। सबसे पहले ये वाली लाइन है, ये लाइन इस पर, अच्छा इस पर एक लाइन ऐसे करके ना, लेकिन इस पर ये नहीं है, इस पर क्या ये ऐसे हो गया, ये यहीं से कट गया, इस वजह से ये गलत है। इस वाली पे तिरछा वाली लाइन ही नहीं है इस पर, इस वजह से ये गलत, तिरछा तो है लेकिन ये लाइन नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये गलत है। ये वाला देखो, इस पर ये है ऐसे करके बना हुआ है, और इस पर ये वाला भी बना हुआ है, और ये लाइन भी है, ठीक है। इस वजह से अपना क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका दर्पण का, किसका दर्पण का। मान लो ये दर्पण में कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, तो जैसे हम लोग इसको देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक पेपर मिलेगा, तो पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में ये जो वर्ड लिखा रहा है इसको आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि जैसे मेरे पास ये है, आपको क्या करना है, ऐसे पेपर मिलेगा, आप लोग ऐसे इसको यहाँ पर नोट कीजिएगा। इसके बाद इसको जैसे ही आप लोग पलट के देखोगे यहाँ पर क्या दिखेगा, जो आपको दिख जाए वही इसका राइट आंसर होगा। चलो मैं इसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है G N 2 1 Q K, ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ मैंने लिखा, और जैसे इसको पेज को मैंने पलट दिया तो ये कुछ हमें दिखेगा, किस प्रकार का दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये सेम ऐसे ही दिखेगा। तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिख रहा है कहाँ पर है, इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिख रहा है कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यदि आप लोग देखोगे थर्ड, तो आपको थर्ड में क्या मिल जाएगा, ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या किस में, ऑप्शन नंबर थर्ड में ये मिल जाएगा। जो दर्पण के नज़दीक होगा वो दर्पण के नज़दीक रहेगा, जो दर्पण से दूर होगा वो दर्पण से दूर रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। अगले चल मतलब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डिक्शनरी का है क्वेश्चन, ठीक है, किसका क्वेश्चन है, डिक्शनरी का, ठीक है। तो हमने आपको डिक्शनरी में बताया हुआ है कि जो चीज़ कॉमन मिले उसको हटा दो, जैसे सब में PE कॉमन मिल रहा है ना, तो PE से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब R पहले आता है कि G पहले आता है, सर सबसे पहले G आता है तो मतलब एक नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी, एक नंबर की मीनिंग काम खत्म हो गया, हटा दो। इसके बाद सभी में देखो तुम्हें R कॉमन मिलेगा, तो R से में कोई मतलब नहीं है। पहले C आता है, F आता है, O आता है कि S आता है, सर सबसे पहले आता है C, तो इसका मतलब चार नंबर की मीनिंग पहले आएगी। फिर आता है सर F, F आएगा तो पाँच नंबर की मीनिंग पहले आएगी। फिर आता है O, O आता है तो तीन नंबर की, लास्ट में आता है S, S आता है तो दो नंबर की मीनिंग आएगी। तो 14532 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह से समान है, एक असंगत है, उसका आपको चयन करना है, ठीक है ना। चलो, डी का कोड होता है 4, एच का होता है 8, आई का होता है 9, अंतर कितने का आ रहा है 4 का, यहाँ अंतर आ रहा है 1, ठीक है। के का कोड होता है 11, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, अंतर 4 का इधर 1 का, यहाँ पी का होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20, अंतर सभी में आ रहा है 2-2 का। इस पे देख लो, एच का होता है 8, एल का होता है 12, एम का होता है 13, इस पे 4 का आ रहा है, इस पे 1 का आ रहा है। तो आप लोग इसमें सभी में देखोगे, सभी में मतलब आपको दिख जाएगा कि इसमें अंतर 4 का,
फिर एक का चार का, एक का चार का, एक का, लेकिन यहाँ पर दो दो का आ रहा है, इस वजह से अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त अध्यापकों को दर्शाते हैं। ठीक है, वृत्त किसको दर्शा रहा है, अध्यापकों को, मतलब यहाँ पर ये टीचर को दर्शा रहा है। ठीक है, आयत अंशकालिक कार्यकर्ताओं को, ये आयत है ना, ये दर्शा रहा है अंशकालिक कार्यकर्ताओं को। इसके बाद जो त्रिभुज है वो ऑनलाइन शिक्षकों को, ये दर्शा रहा है ऑनलाइन टीचर्स को। ठीक है, और ये मतलब ये वृत्त दिखा रहा है तुमको अध्यापक को। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया, कितने अध्यापक मतलब टीचर होने चाहिए, ऑनलाइन शिक्षक के साथ साथ अंशकालिक कार्यकर्ता भी होने चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि त्रिभुज में है, वृत्त में है और आयत में, चलो वो आयत में होना चाहिए, मतलब इसके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, वो त्रिभुज के अंदर भी होना चाहिए, इसके ही अंदर होना चाहिए। अब इसके अंदर कितने आ गया, तो आठ हो गया, तो 19 होगा, लेकिन ये वर्ग में भी होना चाहिए, ऐसे करके। तो ऐसी आकृति में कौन घिरा हुआ है, सर 19, तो 19 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि बताओ कि 12 - 14 - 21 - 7 + 28 = 193 है, तो इसमें से किस साइन को हम चेंज करें कि अपना 193 आ जाए। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 193 नहीं आएगा, इसमें क्या चेंजमेंट करें कि 193 आएगा। चलो सबसे पहले गुणा और भाग को चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर 193 है, इसका मतलब यदि हम भाग लाएंगे तो भाग पूरी तरह से जाना चाहिए। ठीक है, गुणा और भाग को इसको हमें क्या करना है, चेंज करना, चेंज कर लो। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि मैं भाग का साइन लगा दूँ, यहाँ पर गुणा का साइन लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, 12 - 14, भाग का साइन है तो बटे 21 आएगा, गुणे यहाँ पर फिर 7 हो जाएगा, प्लस का 28 कितना आएगा, 7 * 21, लेकिन 3 से 14 कटेगा नहीं, इस वजह से ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद हम सेकेंड को रख लेंगे, इसमें क्या करना है, गुणा और माइनस को चेंज करना है, मतलब गुणे माइनस के स्थान पर गुणा आ गया, गुणे के स्थान पर माइनस आ गया। 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 बार ये चला जाएगा, 3 बार ये चला जाएगा, कितना आएगा, 14 * 14 = 4, हाँ से 1 * 14 = 14, कितना हो गया, 15, 154 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 154 में हम लोग क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, कितना आएगा, 151। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 128 इसमें ऐड कर देंगे। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, एक मिनट रुको, 1 मिनट। देखो पहले से तो अपना आंसर नहीं आ रहा था ना, सेकंड से इस पर चेक करो, यहाँ पर है 12, मतलब गुणा और माइनस को आपस में बदलना है, तो माइनस के स्थान पर गुणा हो गया, कितना आएगा, 14, फिर माइनस हो जाएगा 21, डिवाइड आएगा 3, सॉरी डिवाइड आएगा 7, प्लस का कितना आएगा, 28 आएगा। इसको करो, 7 * 3 कितना हो गया, 21 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 * 2 = 28 = 8, हासिल 2, 14 * 14 = 16, माइनस का 3, प्लस का हम लोग कितना करेंगे, 28, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25, तो 168 जोड़ दो, 8 * 4 = 12 = 13 = 1, हासिल 1 + 6 = 2 = 8 + 9 कितना हो गया, 193, इस वजह से अपना सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड फोर्थ ना चेक करो जो हमें सेकंड में ही मिल गया। तो आगे यहाँ पर कुछ औषधियाँ इंजेक्शन है, कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं। चलो सबसे पहले हमने कहा है निष्कर्ष देखो, उपकरण और इंजेक्शन में, तो उपकरण यहाँ पर है, इंजेक्शन यहाँ है, मतलब हमें सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही में मिल गया। तो उपकरण की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है, इंजेक्शन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितने, 100 100, इस वजह से अपना निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। सेकेंड है औषधि और उपकरण, औषधि यहाँ पर है, उपकरण यहाँ पर, इंजेक्शन से इंजेक्शन मैच हो जाएगा, कुछ की वैल्यू 50 होती है, तो औषधि की वैल्यू 50 हो गई, लेकिन यहाँ पर औषधि कितना है, 100 है, इस वजह से वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 21 में है ORATOR, इसको लिखा जाता है RQD। चलो देखो, देखो ओ 15 होता है, 15 से हम लोग प्लस 3 चले गए, 18 मिल गया, 18 से प्लस 3 गए तो क्यू मिल गया, 1 से प्लस 3 गए तो 4 में डी मिल गया, टी से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस का 1 जा रहे हैं, या T20 होता है, S कितना होता है, 19, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस के 1 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, माइनस के 1, ओ के बाद फिर हम लोग आर जा रहे हैं, मतलब प्लस का 3, ठीक है, आर के बाद हम लोग क्यों जा रहे हैं, फिर आर के बाद क्यों होता है ना, प्लस 1 होता है ना, आर के बाद क्यों, ठीक है, हम
एक काम करते हैं, यहाँ लिख लो ओ आर ए टी ओ आर, यहाँ पर आर क्यू डी एस आर, क्यों नहीं फालतू में गलत होगा क्या मतलब निकलेगा ना। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ 15 होता है, आर 18 मतलब प्लस 3, आर 18 क्यू 19 प्लस 1, यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर प्लस 1, वैसे यहाँ पर सबसे पहले प्लस 3 होगा तो 20 3 23 मतलब W से स्टार्ट होना है, यहाँ पर प्लस 1 ठीक है, माइनस 1 हो रहा है क्या, आर 18 होता है क्यू 17 होता है ना, सॉरी यहाँ पर माइनस 1 हो रहा है, यहाँ टी 20 माइनस 1 हो रहा है, मतलब ऊपर वाला प्लस 1 हो रहा है ना, ठीक है यहाँ पर ये माइनस 1 हो रहा है ना, ये माइनस 1 होगा तो ए से माइनस 1 हम लोग जाएंगे क्या मिलेगा, जेड मिल जाएगा, सी से प्लस 3 जाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिल जाएगा, के से माइनस 1 जाएंगे क्या मिलेगा, जे मिल जाएगा, तो एफ सॉरी डब्ल्यू जेड एफ जे है कहीं पर ऑप्शन नंबर 4th में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है क्या करते हैं थोड़ा फिर इसको जूम कर लेते हैं, पहले में ऐसे ऐसे करके एक ऐसे हो गया, फिर सेकंड में ऐसे ऐसे करके एक ऐसे हो गया, मतलब ऐसे हो गया, थर्ड में क्या हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर आप लोग देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर इस पर मैच कर रहे हैं, ठीक है ऑप्शन नंबर इस पर मैच कर रहे हैं सर, पहला भी है और चौथा भी है, कुछ डिफरेंस है क्या, हाँ सर ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड को यदि हम गौर से देख लें, ठीक है सेकंड को यदि हम गौर से देख लें तो इसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है तो इसमें भी क्या बनेगा, अगर ये चौकोर बनेगा तो इसमें भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर होगा, ठीक है तो ऐसा फिगर कहाँ पर है, ऐसा फिगर आपको ऑप्शन नंबर 1st में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ ये इस पर 40 76 44 70, देखो ये सीरीज घटती बढ़ती है ना, तो शायद इस पर मिक्स सीरीज लगा हो, देखो एक छोड़ के कर लो, 40 के बाद हम लोग कितने में आएंगे, 40 के बाद हम लोग आते हैं आगे, 40 के बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 4, मार्कर क्यों नहीं चल रहा मेरा, 40 के बाद कितना आएंगे हम लोग, प्लस 4, इसके बाद आ गए हम लोग प्लस 5, इसके बाद आ गए हम लोग प्लस 6, आगे हम लोग जाएंगे प्लस 7, तो 7 5 12 की 2 हाँ से ले 5 1 6 62, 62 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसको चेक करना है, चेक कर लो, माइनस 6 यहाँ पर, माइनस 6 यहाँ पर भी माइनस 6, ठीक है तो नीचे वाला सेम है लेकिन ऊपर वाले में क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65। आगे इस पर कितना है, 345 अनुपात 7 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानुपात 66 अनुपात 4, देखो यदि मैं 7 का क्यूब कर दूँ, ध्यान से देखो कितना होगा, 343, इसमें 2 ऐड कर दूँ, 4 का क्यूब करता हूँ तो होता है 64, 64 में 2 ऐड कर दूँ, देखो मिल गया 66, इधर मिल गया 345, सेम ऐसे कर लो, 9 का क्यूब 729, इसमें 2 ऐड कर लो कितना हो गया, 731, ऑप्शन नंबर 1st यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा, अच्छा एम पी साथ में है, एस टी साथ में है, तो एम के बाद क्या आएगा, हमेशा पी आएगा, तो एम और कहीं पर है नहीं है, एस के पहले एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो इसके बाद यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी का एक छोड़ के यहाँ पर देखो आर मिल रहा है, टी का एक छोड़ के आर मिल रहा है, टी आर लास्ट में होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर एक जगह और है ना, यहाँ पर एक जगह क्या है, एक जगह पर और है, मतलब लास्ट में आर होना चाहिए, इस पर लास्ट में आर नहीं है, इस पर भी लास्ट में आर नहीं है, अब देखो यहाँ पर यदि मैं, अच्छा ये हो गया ना, आर के दो छोड़ कर क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है ना, इसमें मिल रहा है क्या, दो छोड़ कर एल, हाँ आर का दो छोड़ कर क्या मिलेगा, एल मिलेगा, तो टी एल आर लास्ट में होना चाहिए, केवल ऑप्शन नंबर 1st में ही है, ठीक है इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर 1st राइट हो जाएगा। पूरा भरना है तो इसको कैसे भरेंगे, एस टी एल एम पी आर, एल एम पी आर, ठीक है एस के टी के पहले क्या आएगा, एस आएगा, टी के बाद क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है भर लो, ठीक है इसको भर लो, एम के बाद क्या आएगा, पी आएगा ना, एम पी आर एम पी एस एल आर टी एल आर, ठीक है एल के बाद क्या आएगा, आ रहेगा हमें, इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा, 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है तो आपको कहाँ मिलेगी इसकी पीडीएफ, तो आपको मिलेगी
टेलीग्राम में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। मैथ की क्लास 8 बजे लेना ना भूलना, ठीक है ना। मैथ की क्लास कब है? 8 बजे है। कब है? 8 बजे है मैथ की क्लास, तो इस पर आना ना भूलना, इसको कंप्लीट कर लो, इसके बाद मैथ की क्लास में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए जय हिंद।